सोनी टीवी का शो एक दीवाना था जैसे जैसे क्लाइमेक्स के नजदीक आ रहा है कहानी और भी ज्यादा मजेदार हो गई है। इधर शो में व्योम की मां माधवी को जेल हो गई है तो उधर शिव भी शरण्या को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। जी हां, शो के लास्ट एपिसोड में दिखाया गया है कि शिव इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो चुका है। और आपको बता दें कि शिव की एग्जिट के बाद अब ऑडियंस पूरी तरह से मायूस हो गई है कि आखिर शिव ऐसे कैसे अचानक गायब हो गया, आखिर क्यों क्लाइमेक्स से पहले शिव की एग्जिट दिखाई गई। वेल, तो अगर आप सोच रहे हैं कि शिव की ये एग्जिट किसी मेजर ट्विस्ट का इशारा है तो हम आपको बता दें कि आपका ये शक एकदम सही है। जी हाँ, दरअसल कुछ सूत्रों की माने तो व्योम का असली चेहरा बेनकाब करने के लिए शिव ने ये मास्टर प्लान खेला है ताकि व्योम खुद अपने गुनाह कबूल कर ले। और साथ ही अगर आप शो की करंट स्टोरी लाइन पर गौर करें तो शिव की एग्जिट काफी अटपटी सी दिखाई गई है। दिखाया गया है कि शिव राजन और व्योम की सारी बातें सुन लेता है जिसके बाद उसे ये पता चलता है कि माधवी नहीं बल्कि उसका असली कातिल व्योम है। और तभी थोड़ी देर के बाद अचानक शिव की एग्जिट हो जाती है जिसके बाद शरण्या पूरी तरह से टूट जाती हैं और शिव को याद करके बिलक बिलक कर रोने लगती हैं। वेल, तो हम आपको बता दें कि अब ट्विस्ट तो यही है कि शरण्या की बातों को सुनने के बाद व्योम भी ये मान जाता है कि शिव हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया है और शरण्या अब एकदम अकेली है। लेकिन हम आपको बता दें कि असली बदले की कहानी तो यहीं से शुरू होगी। सूत्रों की माने तो शिव छुपकर व्योम की हरकतों पर नजर रखेगा ताकि वो शरण्या के सामने खुलकर बेनकाब हो। और फिर जैसे ही व्योम शिव के ट्रैप में फंसेगा, शिव शरण्या के पास लौट आएगा और फिर दोनों मिलकर व्योम को उसके गुनाहों की सजा दिलवाएंगे और फिर हो जाएगा शो का क्लाइमैक्स। तो भाई, इतना सब जानने के बाद हम तो शो के अगले एपिसोड को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए हैं। आप कितना एक्साइटेड हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए अपने व्यूज।